वेलकम टू एड्यूज। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास जो लेक्चर 9 था पार्टनरशिप के फंडामेंटल का, जिसमें हम लोगों ने सीखा था पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने का तरीका। उम्मीद करते हैं वो टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आज उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक है, ये भी फंडामेंटल से ही है, इस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। फिर से समझते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं, वो हर एक पार्टनर जनरली कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट किए रहते हैं। पार्टनर्स के द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया रहता है, वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल, इट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल कहलाता है। वो जो इन्वेस्टमेंट फर्म में किया गया है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में सारे पार्टनर्स सहमत होकर इंटरेस्ट का प्रोविजन कर रखे हैं, बना रखे हैं कि सर्टेन परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिया जाएगा, तब उस पार्टनर्स को, उन सारे पार्टनर्स को उस रेट के बेस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस। लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या होता है? बेनिफिट होता है। फर्म के लिए एक्सपेंस, लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या होता है? बेनिफिट होता है। आइए इसके आगे हम लोग समझते हैं ये कैलकुलेट कैसे होता है। सिंपल सी बात है कि आप क्लास 8, क्लास 9, क्लास 6 में पहले भी पढ़ चुके होंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए हम लोगों को तीन चीजों का जरूरत है। पहला प्रिंसिपल, दूसरा रेट, तीसरा टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा। पहला पी फॉर प्रिंसिपल, दूसरा आर फॉर रेट, तीसरा टाइम डिवाइडेड बाय 100। आई का मतलब यहां इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला है। अब ये बात निकल कर आया कि 100 क्यों होता है, तो रेट ऑलवेज परसेंटेज में होता है, पर सेंट, सेंट मीन्स 100, पर सेंट। इस वजह से ये जो 100 होता है वो आर की वजह से होता है। इसी पर बेस्ड है ये टॉपिक, इसी पर ये बेस्ड है टॉपिक। बहुत ईजी, बहुत आसान, और उसको और भी आसान बनाएंगे हम लोग अभी। तो बोला कि जो पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो कैसे करना है। तो बोला फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर इंटरेस्ट। बोला कौन कौन से फैक्टर को लेंगे पार्टनर्स के कैपिटल के इंटरेस्ट, पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को लेंगे। तो तीन फैक्टर्स हैं। पहला अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, जो प्रिंसिपल का काम करेगा। अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, जिस पार्टनर ने जितना कैपिटल लगाया है उतना ही कैपिटल को बेस लेकर के इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। पहला फैक्टर अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। दूसरा फैक्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पार्टनरशिप डीड जब बना होगा, उसमें पार्टनर्स ने आपस में सहमति बनाकर एक रेट डिसाइड कर लिया होगा, 6%, 7%, 8% पर एनम इंटरेस्ट, ऐसा कुछ दिया होगा। जो भी रेट उन लोगों का अग्रीड होगा उसी रेट पर कैलकुलेट होगा। और तीसरा है टाइम, टाइम फैक्टर। तो कोई क्वेश्चंस ऐसा होगा जिसमें आपको एक साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें 6 महीने का निकालना होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें 9 मंथ्स का निकालना होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें 3 मंथ्स का निकालना होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 7, 8 इस तरीके से मंथ से निकालना होगा। तो हम लोग अभी समझ गए इस बात को कि अमाउंट जो फैक्टर का रिक्वायरमेंट है, उसमें सबसे पहला है अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा है टाइम। इन तीनों फैक्टर को कंसीडर करके ही इंटरेस्ट निकाला जा सकता है पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। आइए अब इसको हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू ये कैलकुलेट कैसे होगा। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, अभी देखते हैं आगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। पहले हम लोग इस एग्जाम्पल को देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्वेश्चन पढ़ना है उसका नजरिया हम लोग का कैसे होगा, किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है। जब हम लोग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना रहे होंगे तो हम लोग को किन किन बातों पर ध्यान देना है ताकि क्वेश्चन कई बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कभी कभी क्या होता है, देखो एग्जामिनेशन में जो टाइमिंग होती है उसकी तो बहुत लिमिटेड होती है, उसी टाइम में परफॉर्म करना है, उसी टाइम में परफॉर्म करना है, तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ने का
जरूरत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन अगर बार बार पढ़ रहे हैं तो टाइम आपका स्पेंड हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या और कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे ताकि कम से कम टाइम में क्वेश्चन पढ़ के दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, टाइम बचाएं और अपना टाइम सॉल्यूशन पे दें। आइए पहले हम लोग क्वेश्चन किस प्रकार से पढ़े उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। आइए ए एंड बी, जैसे ए एंड बी देखा उसको अंडरलाइन कर लेना है, मतलब दो पार्टनर है कौन, ए और बी। वे आर पार्टनर्स इन अ फर्म, फर्म में पार्टनर हैं। दे आर ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस, उनका शुरू का कैपिटल बैलेंस कब है, 1 अप्रैल 2017, मतलब इस अकाउंटिंग ईयर का जो शुरुआत का डेट है वो है 1 अप्रैल 2017। तो 1 अप्रैल 2017 के दिन उनका जो कैपिटल बैलेंस है वो कितना है, 50,000 और 30,000। मतलब क्या, ए का 50,000, बी का 30,000, देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। और यहां क्या लिखा, 1 अप्रैल, तो तय बात है कि 1 अप्रैल 2017 अगर ओपनिंग डेट है तो क्लोजिंग डेट क्या होगा, 31 मार्च 2019। 1 अप्रैल 2017 अगर ओपनिंग डेट है तो क्लोजिंग डेट क्या होगा, 31 मार्च 2018। गलती से 9 हो गया था 2019, तो अगर ओपनिंग डेट हमारा 1 अप्रैल 2017 है तो क्लोजिंग डेट होगा 31 मार्च 2018। तो एक साल का ड्यूरेशन है, एक साल का ड्यूरेशन, वो साफ साफ दिख रहा है। ए का ओपनिंग कैपिटल कितना, 50,000। बी का ओपनिंग कैपिटल कितना, 30,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6% पर एनम। कैलकुलेट कब करना है, 31 मार्च 2018। तो माइंड में क्या चला, ड्यूरेशन, टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर। देखो टाइम फैक्टर कितना है, 1 ईयर। कैसे, स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2017 एंड हुआ 31 मार्च 2018। ये जो ड्यूरेशन क्या है, 1 ईयर। इट मीन्स टाइम फैक्टर कितना आया, 1 ईयर, ठीक है। और अमाउंट 50,000 और 30,000, रेट 6%। ए के लिए अलग से कैलकुलेट करना है और बी के लिए अलग से कैलकुलेट करना है, दोनों ही पार्टनर का एक साथ नहीं होने वाला, ए का सेपरेट और बी का सेपरेट। ए का जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है वो है 50,000 और बी का है 30,000। तो आइए देखते हैं। यहां हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हेडिंग दिया, ए के लिए बी के लिए। ए का अमाउंट 50,000, रेट 6/100। अब इसको समझते हैं, हमने भी कहा था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे टाइम कहां गया सर, टाइम तो है नहीं। हाँ ऑब्वियसली नहीं है, क्यों, टाइम कितना है, 1 ईयर। टाइम कितना है, 1 ईयर। अगर 1 को यहां पुट करते हैं तो कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आने वाला है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहां 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 ईयर है, तो इसमें आपका आंसर सेम आएगा। तो 1 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, तो 1 करने का जरूरत नहीं है, इसलिए टाइम फैक्टर को यहां नहीं लिया गया। अब बी की बात करते हैं, बी का 30,000 है कैपिटल, 6% के हिसाब से 1800। तो ए का इंटरेस्ट 3000 और बी का इंटरेस्ट 1800, 6% के रेट के बेस पे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको लाइक करना ना भूलें, इवन अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और खूब वीडियो देखें। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका एग्जामिनेशन इसकी वजह से बहुत अच्छा जाने वाला है, इवन आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होने वाला है। अभी हमने एक ईजी सा एग्जाम्पल सीखा, इसके ठीक अगले स्टेप थोड़ा सा उससे कठिन एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, A and B were partners in a firm. Their opening capital balances as on 1st April 2017 were rupees 1 lakh and 50,000. Partner वही same, A और B. Opening date भी same, but capital change हो गया। अभी capital कितना है? 1 lakh और 50,000. ये कौन सा capital है? Opening capital. किस date को? 1st April को. Interest on capital allowed 6% per annum. तो देखो 6% को भी underline करा, important था. Calculate इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ऑन 31st दिसंबर 2017। यहां एक नई बात आ गई, इसके पहले जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो 31st मार्च 2018 को किया था, अभी कब कर रहे हैं, 31st दिसंबर 2017। तो देखो ड्यूरेशन क्या है, आइए, ड्यूरेशन मतलब 1 अप्रैल 2017 टू 31st दिसंबर 2017, ये ड्यूरेशन मींस 9 मंथ्स,
यहां 1 ईयर पूरा नहीं होने जा रहा है, यहां कितना है 9 मंथ्स। क्या है 9 मंथ्स। अब देखो 9 मंथ्स को हमको ईयर में कन्वर्ट करना होगा, तो जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो किसे डिवाइड करेंगे 12 से, तब ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आप कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, किसका किसका कैलकुलेट करना है, ए का। लीजिए ए को हम लोग देखते हैं, साथ साथ कैलकुलेट करते हैं। ए का ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, रेट क्या है 6% 6/100। अब टाइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम 1 नहीं है, टाइम अब मंथ्स में आ गया, तो मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट किया तो लो मल्टीप्लाई 9/12। और बी, बी का जो 50,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 9/12। ए का भी ड्यूरेशन वही है और बी का भी ड्यूरेशन वही है। आइए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमने इसको कैलकुलेट किया, ए का 1 लाख मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 9/12 4500 आएगा, बी का 50,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 9/12 2250 2250 2250 आएगा। देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन था, पहला एग्जाम्पल था, वो 1 ईयर के लिए था। अभी जब हमने क्वेश्चन देखा तो ये 9 मंथ्स का टाइम फैक्टर था। इसी तरीके से आपका 6 मंथ का होगा तो 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मंथ का होगा तो 3/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मंथ का होगा तो 8/12 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मंथ का इंटरेस्ट निकालना होगा तो 2/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन 1 मंथ का भी आ सकता है, अगर 1 मंथ का होगा तो 1/12 मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद करते हैं ये दोनों एग्जाम्पल और ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ गया होंगे। आपको करना बस ये है, लगातार वीडियो को देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर आपके पास कोई कन्फ्यूज़न हो, आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में डालें। मैं देख रहा हूँ वो कमेंट बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, आप लोग वीडियो पसंद भी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।